ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि व्हेन नो वन थिंक्स यू कैन दैट्स व्हेन यू हैव टू। और जब सब लोगों को लगता है कि आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, आपसे नहीं हो पाएगा, तभी तो आपको करके दिखाना है, तभी लोग चुप हो जाएंगे। लोग पहले आप पर हंसते ही है, अगर आप बड़ा अचीव करने की कोशिश करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे ही, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि बड़ा कभी सोचो मत और बड़ा किसी को सोचने दो मत। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई अलग करने की कोशिश करोगे, जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, लोग आपको रोकने के लिए आ ही जाएंगे। और अगर आप नहीं रुकोगे, खुद पर कॉन्फिडेंस रखोगे, लोग आप पर हंसेंगे, हंसकर पहले आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, बाद में आप पर जलकर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और फिर जब आप वो कर दिखाओगे उसके बाद बोलेंगे कि मुझे तो पता ही था इससे हो जाएगा, मुझे तो पता ही था ये कर दिखाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जब लोगों को लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, वही सही वक्त होता है वो चीज़ कर दिखाने का। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरेस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहां पर नज़र आएंगे, जैसे कि मैंने MPSC के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे। तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको UPI के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कोर्सेस है ये MPSC एग्ज़ाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 15th February का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो यहाँ पर आप मैप बेस्ड एक्सरसाइज देख सकते हो, ये कंट्री कौन सी है ये कंट्री आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, कंट्री का नाम लिखना है, कैपिटल लिखना है, करेंसी लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एंटार्क्टिक ट्रिप जो है वो क्यों मैटर कर रही है इस बार की। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्मोकिंग है, अगर आप क्विट करते हो तो कैंसर का जो रिस्क है वो किस तरीके से रिवर्स हो जाता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है कि 2020 जो है ये पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक रहने वाला है, मतलब एक पनिशमेंट की तरह साल जाने वाला है। तो ये आर्टिकल पे हम नज़र डालेंगे अच्छे तरीके से। ये वाला जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है कि इंडिया ने जो SARS है, जो MERS है, इससे कैसे लड़ा था, है ना। मतलब अभी आप देखोगे कोरोना वायरस जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, जिसके वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, कल ही हमने डिस्कस किया है कोविड की क्या डिसीज़ होती है, कोविड 19, ये डिसीज़ देखने को मिलती है एंड कोरोना वायरस की वजह से।
अब यहाँ पर कोरोना वायरस वुहान से स्प्रेड हो रहा है तो अलग अलग कंट्रीज में जा रहा है। इंडिया में भी हमें 3 केसेस देखने को मिले हैं और इनफैक्ट कोलकाता जो है वहाँ पर सस्पेक्ट हुए हैं, मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या उन लोगों को भी कोरोना वायरस हुआ है। तो इससे नदर्न इंडिया जो है उसमें भी ये जो वायरस है स्प्रेड होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और ये जो वायरस है ये अगर नॉर्थ ईस्ट में भी चला जाता है तो ऑलमोस्ट ओवर इंडिया में इसका ख़तरा जो है बढ़ सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो इस आर्टिकल के तहत वही सारी चीज़ें बताई गई है जो कल हमने डिस्कस की थी, मतलब कि सबसे पहले तो कोरोना वायरस क्या है, कल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। उसी के साथ साथ इसे कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोरोना उसके तरह दिखाई देता है, क्राउन की तरह दिखाई देता है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है कि स्प्रेड किस तरीके से होता है, इतनी हड़कंप क्यों मची हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो सार्स है और मर्स है इससे हम किस तरीके से लड़े थे, है ना, क्योंकि देखिए ये जो है बेसिक चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो कैमल बैट्स इसके थ्रू ये सारी चीज़ें स्प्रेड हुई है, तो यही बोला जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है ये भी बैट्स के थ्रू ही यहाँ पर स्प्रेड हुआ है। और ये जूनोटिक डिसीज़ है, जूनोटिक डिसीज़ मतलब एनिमल से ह्यूमंस में जाती है और बहुत ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि जब ह्यूमंस में वो स्प्रेड होना शुरू होती है तो बहुत तेज़ी से वो स्प्रेड हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू बताई गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इस आर्टिकल में जो केजरीवाल है उन्होंने मोदी लाइक कैंपेन किया दिल्ली को जीतने के लिए। अब देखोगे आप, देखिए यहाँ पर सेंटर और स्टेट, सेंटर के लिए अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मोदी जी के लिए वोट किया था, बीजेपी के लिए वोट किया था, लेकिन वही अगर आप स्टेट की बात करोगे तो वहाँ पर केजरीवाल को जिताया है। तो यहाँ पर जो मोदी जी उनके तरह यहाँ पर जो कैंपेनिंग है वो की गई है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए आर्टिकल बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल आप देखोगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑडिटर्स के बारे में बात की गई है। अब देखिए थोड़ा बहुत यही बताने की आपको मैं कोशिश करता हूँ। बेसिकली ऑडिटर क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की ऑडिटिंग करते हैं, मगर कंपनीज़ में काफ़ी फ्रॉड जो है फिर भी देखने को मिलता है। अब आप कोई भी कंपनी ले लो, उसमें ऑडिटर जो है वो जाते हैं और उसके बाद ऑडिट करते हैं, लेकिन वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, फिर भी अगर ऑडिटर की लीज देखोगे वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, मतलब फ्रॉड तो हो ही रहा है। इसीलिए ये ब्लाइंड वॉच डॉग बन चुके हैं। ऑडिटर का काम क्या है कि ऑडिट करना, कोई भी फ्रॉड हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसे बाहर निकालना, मगर ऑडिटर्स को पैसे देकर सब कुछ मैनिपुलेट किया जाता है। वो कोई भी हो, सरकारी कोई ऑफिस हो या फिर प्राइवेट हो, हर जगह पर यही चलता है। जो ऑडिटर्स होते हैं उन्हें चाय पानी नाश्ता सब कुछ दिया जाता है, अच्छी तरीके से उनका पेट भरा जाता है और उसके बाद वो अच्छी अच्छी रिपोर्ट जो है वो पेश कर देते हैं। अब आप बहुत सारी जगहों पर देखोगे, FCI हो गया, वहाँ पर इतने फ्रॉड चलते हैं लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आता है। उसी के साथ साथ जो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं वहाँ पर इतने फ्रॉड्स होते हैं, कुछ भी बाहर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ऑडिटर जो है सब कुछ अपने रिपोर्ट में अच्छा लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो इस आर्टिकल के थ्रू ऑथर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑडिटर्स हैं उनके हाथ में पावर देनी चाहिए और उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो ऑडिटिंग है वो करना चाहिए, जिससे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स तक पहुँच कर हम उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सके। ये GST के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो स्मोकिंग है, अगर हम वो क्विट कर देते हैं तो कैंसर का जो रिस्क है किस तरीके से रिवर्स हो सकता है। अब देखिए कैंसर बेसिकली जो स्मोकिंग है, टोबैको है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। आप मूवी देखने जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे, मतलब मूवी स्टार्ट होने के पहली वीडियो नज़र आएगा कि यहाँ पर स्मोकिंग मत करो, टोबैको मत खाओ, उससे कैंसर की जो ये है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर अगर कोई बहुत स्मोक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहा है, चेन स्मोकर है, मगर अगर उसने जो स्मोकिंग है वो क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? उसके जो लंग्स यहाँ पर ख़राब हो रहे थे क्या वो फिर से रिपेयर होंगे? यही हम यहाँ पर देखने की कोशिश करने वाले हैं। अभी देखिए न्यूज़ क्या निकल कर आई है, स्मोकिंग जो है वो म्यूटेशन कॉज करता है सेल में, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अगर स्मोकर जो है वो क्विट कर देता है तो फिर हेल्थ रिकवरी कितने रफ्तार से हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है? यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हेल्दी जो लंग्स है वो देखने को मिलते हैं, और अगर आप स्मोकिंग करोगे तो इस तरीके से लंग्स जो है वो हो जाते हैं। एक स्टडी पब्लिश की है गई है जनरल नेचर्स, उसने कहा है कि यहाँ पर अगर क्विट करते हो आप तो जो पोटेंशियल रिस्क है वो रिवर्स होने में मदद होती है। मतलब कि आपका स्मोक कर रहे हो तो आप इस तरीके से आपकी जो लंग्स है वो जा रहे हैं, मैं सेल्स म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ये क्या होगा, ये फिर से रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा, हो सकता है, काफ़ी हद तक यही स्टडी में देखा गया है। मतलब जो सेल्स है
उसे फिर से रिप्लेनिश करने में ये हेल्प करता है, एक्चुअल में रिजेंबल करता है एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कभी स्मोकिंग की ही नहीं है। मतलब ये इंसान है, इसने कभी स्मोकिंग नहीं की है। एक इंसान ने स्मोक कर करके इस तरीके से उसके लंग्स हो गए हैं, लेकिन जब उसने क्विट किया तो फिर से रिजेंबल होने लगते हैं इस तरीके के। देखिए, डैमेज तो होता ही है और ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा फिर से रिवर्स हो जाए, कुछ तो नॉन रिवर्सेबल डैमेज भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक रिजेंबलेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब स्मोकिंग जो है उसकी वजह से कैंसर कैसे होता है, तो ये जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए ये वाला आर्टिकल जो है इस पर मैं सेपरेट वीडियो मतलब यही जो है कट जैसे मैं लेकर आता हूँ, हर चीज़ जो है वो अलग से आपको मिल जाता है जिससे कि आपको सर्च करने में आसानी रहे, है ना। और करंट अफेयर 2020 उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो है खास आप शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिले और लोग क्विट करने के लिए, जो स्मोकिंग है क्विट करने के लिए मोटिवेट हो जाए। ह्यूमन बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर्ड है डैमेज बियर करने के लिए, लेकिन कुछ हद तक ही। मतलब देखिए, डैमेज हर किसी के बॉडी में होता है किसी न किसी तरीके से, मगर वो डैमेज को बियर करने की क्षमता भी ह्यूमन बॉडी में है, जैसे कि नेचर है। इससे आप सोच सकते हो कि नेचर से ह्यूमन बॉडी कितनी लिंक्ड है, क्योंकि नेचर को हम डैमेज करते हैं लेकिन डैमेज होने के बाद भी नेचर में एक क्षमता है कि फिर से रिकवर हो सके। उसी तरह हमारी बॉडी भी है। मतलब सोचिए कि नेचर से कोई डिसकनेक्टेड नहीं है, नेचर से सिंक है हमारी जो बॉडी है, है ना। जो भी नेचुरल चीज़ें बनाई गई है वो सब सिंक होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। सिगरेट जो है 60 जो कार्सिनोजेनिक ये चीज़ें होती है वो डैमेज करती है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसे बहुत बुरी तरीके से डैमेज पहुँचता है, है ना। और उसी के साथ साथ ये 1,000 से 10,000 म्यूटेशन जो है पर सेल कॉज करता है। कांस्टेंट डैमेज जब होते हैं सेल की लाइनिंग में, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कैंसर जो है लंग्स में, एसोफेगस में, लैरिक्स में, ये सब हमें देखने को मिलता है। लंग कैंसर ये मोस्ट कॉमन है, 80-90% डेथ जो है वो टोबैको की वजह से होते हैं। केमिकल जो इस्तेमाल किए जाते हैं सिगरेट में वो ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकते हैं और मल्टीपल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए ये लीवर में, पैनक्रियाज में, स्टमक में, किडनी में, ब्लड में, यहाँ पर भी कैंसर जो है वो कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप सिगरेट पीते हो तो सिर्फ आपको लंग्स कैंसर ही नहीं होगा लेकिन बाकी जो कैंसर है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो होते हैं लंग कैंसर के। उसके बाद यहाँ पर ब्लैडर जो है उसका भी होता है, पैनक्रियाज का भी होता है, लीवर का भी होता है, किडनी का भी होता है, स्टमक का भी होता है, है ना, एसोफेगस का भी होता है। तो ये सारे जो कैंसर्स हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो स्मोकिंग है 14 टाइप ऑफ कैंसर्स कॉज कर सकता है, तो इतनी हार्मफुल होती है अगर आप स्मोक करते हो तो। इसीलिए अगर आपका कोई पहचान का है, अगर आपके कोई रिलेटिव है, अगर आपके पेरेंट्स है, कोई भी है, अगर वो स्मोक करते हैं तो उनकी जो स्मोकिंग हैबिट है ये क्विट कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदार बनिए, आप मदद कीजिए उन्हें क्विट करने के लिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। अब देखिए, स्टडी जो है उसने क्या फाइंड किया है कि अगर कोई बीच में ही यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो स्टॉप कर देता है, छोड़ देता है, स्मोकर जो है उनको जो रिस्क है ना, टोबैको एसोसिएटेड लंग कैंसर के जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, वो अवॉइड हो सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इसके बेनिफिट्स है ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली भी हो सकते हैं और स्टेडीली इंक्रीज होते जाते हैं ओवर द टाइम। तो की मैसेज यहाँ पर जो दिया गया है रिसर्चर्स के द्वारा ये दिया गया है कि आप स्मोकिंग को क्विट कीजिए, किसी भी एज में आप क्विट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यार अब तो मैंने ज़िंदगी जी ली है अब कहाँ फ़ायदा होगा, ये तो यंग एज में अगर हम छोड़ेंगे तो होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एज हो उसमें अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हो तो यहाँ पर जो रिस्क है लंग कैंसर के काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पर अगर आपको जो एम्फिसीमा है वो अगर कॉज होता है तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है, मगर अगर आप क्विट कर रहे हो किसी भी एज में कहीं पर भी और आपके जो सेल्स जितने भी डैमेज हुए हैं वो फिर से रिकवर हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं जो एंटार्क्टिक ट्रिप है वो मैटर क्यों करती है। ये वाली जो एंटार्क्टिक ट्रिप है, ये वाली ट्रिप की बात नहीं कर रहे हैं हम कि यहाँ पर आप जो हॉलीडे है वो मनाने गए हैं, यहाँ पर एक ट्रिप हो रही है एंटार्क्टिक ट्रिप, और वो यहाँ पर मैटर क्यों कर रही है ये यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, न्यूज़ बेसिकली क्या है, तो एट नून 11 जनवरी को साउथ अफ्रीकन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल जो है ऐसे अगुलास ये सेट ऑफ हुआ है फ्रॉम पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस कहाँ पर है, मॉरिशियस में है, ठीक है।
और दो मन इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू साउथ ओशन 2020 यह हमें देखने को मिल रहा है। और जो वेसल है वो प्रेड्स बे, जो कोस्टल वाटर है भारतीय, जिसका इंडिया का थर्ड स्टेशन है अंटार्कटिका में, वहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये थर्ड है, तो इसका मतलब पहले दो भी हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो था दक्षिण गंगोत्री पहला हमें देखने को मिला था। बाद में हमें जो मैत्री है वो भी देखने को मिला था, और अब यहाँ पर हमें जो भारती है वो देखने को मिल रहा है। तो भारतीय परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन है जो कि इंडिया के द्वारा कमीशन किया गया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसके द्वारा किया जाता है और 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिसर्च हो रही है तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। तो पहला दक्षिण गंगोत्री था, मैत्री था, उसके बाद भारती था, ये आपको क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि कब सेटअप किया गया था जो यहाँ पर भारती है वो, तो 2012 स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ 18 मार्च 2012 जो है उसमें सेटअप किया गया था, तो उसी के तहत यहाँ पर जो रिसर्च है वो किया जाने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मॉरिशियस है, ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो है ये अंटार्कटिका है, और यहाँ पर आपको जो ये है भारती है वो देखने को मिलता है। अब मिशन बेसिकली क्या है, तो 18 इंस्टीट्यूशन टीम जो है जो लीड किया जा रहा है डॉक्टर अनूप महाजन के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, वो यहाँ पर एयर और वाटर सैंपल जो है 60 स्टेशन से यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसके वजह से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल सकती है, जो ओशन है, एटमॉस्फेयर है, उनका स्टेट किस तरीके से है, और वो भी ऐसे रीजन जो काफ़ी रिमोट एरियाज में देखने को मिलते हैं, और जिसके वजह से जो क्लाइमेट है उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट होगा वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। मतलब ओवरऑल अगर ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं इसका तो क्या है, की ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, जिससे कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट हो रहा है ना वेदर पर, ये जो लार्ज स्केल पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वेदर पर, इंडियन मॉनसून हो जाए, है ना, तो ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर जो भी चेंजेस है उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना, और अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इंडियन मॉनसून, मतलब पूरा क्लाइमेट ही आप देख लो उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, है ना, मतलब जहाँ पर ठंड पड़नी चाहिए वहाँ पर गर्मी हो रही है, जहाँ पर गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ बरसात हो रही है, तो पूरा जो मौसम है पूरा सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। तो इसे समझना ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का। स्टडी जो है मेनली एम करती है कि यहाँ पर जो सदर्न ओशन है अक्रॉस इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, और उसी के साथ साथ जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस है, उसे किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये अगर हमें समझ में आ जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी चीज़ें हो रही है किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे रीजन को, है ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, वेदर कंडीशन जो है उसे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो काफ़ी हद तक हम कुछ सॉल्यूशंस पर पहुँच सकते हैं जिससे हम इसे रोका जा सके, जिसे हम इसे रोक सकते। अब इसी के तहत 6 कोर प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंटार्कटिक बॉटम वाटर किस तरीके से फॉर्म हुआ है, उसके फॉर्मेशन को समझने के लिए यहाँ पर पहला वाला प्रोजेक्ट देखने को मिला, जहाँ पर जो हाइड्रोडायनेमिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है इंडियन ओशन सेक्टर की, ये यहाँ पर स्टडी की जाए ऑफ सदर्न ओशन, जिसमें जो सैम्पलिंग सी वाटर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है डिफरेंट डेप्स पर, है ना, तो मतलब जो सी वाटर है उसके सैंपल्स ले जाएंगे अलग अलग डेप्थ पर, और उसके तहत यहाँ पर एंटार्कटिक का बॉटम वाटर कैसा होगा वो स्टडी हो पाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पैरामीटराइजेशन है ग्लोबल मॉडल के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए, जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जो ट्रेसेस ऑफ गैसेस है एटमॉस्फेयर में उसका ऑब्जर्वेशन करना, जैसे कि हैलोजन्स हो जाए, उसी के साथ साथ जो डाईमिथिल सल्फर हो जाए, तो ओशन टू द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करना उसे, जिससे कि हम यहाँ पर जो ग्लोबल मॉडल्स है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है जिसे कोकोलिथोपोर्स कहा जाता है, जो एग्जिस्ट हुए हैं ओशन में सेवरल मिलियन ईयर्स, है ना, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है सेडिमेंट्स में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पास्ट क्लाइमेट किस तरीके से रहा है उसकी पिक्चर जो है वो क्रिएट हो सकती है, तो ये एक प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एरोसोल जो है उसे इन्वेस्टिगेट करना, उनका जो ऑप्टिकल और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है उसे स्टडी करना, और यहाँ पर जो मतलब अर्थ के क्लाइमेट पर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर सदर्न ओशन का इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पर किस तरीके का होता है ना, सेडिमेंट कोर जो है
वो ओशन के बॉटम से लेना, उसे स्टडी करना और फिर इंडियन मानसून पर उसका इम्पैक्ट जो है वो देखना सदर्न ओशन का, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फिशिंग है सस्टेनेबल फिशिंग हो सके, है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पर फूड वेब जो है उसका डायनेमिक समझना सदर्न ओशन में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रोजेक्ट्स है, 6 कोर प्रोजेक्ट्स है जो हमें इसके तहत देखने को मिलते हैं। तो अब आपको पूरा पिक्चर, पूरा सिनारियो जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है पाकिस्तान जो है उसके लिए 2020 ये पनिशमेंट का ईयर क्यों रहेगा। अब देखिए 2020 में अगर देखा जाए तो वो 2019 की जो चीज़ें हैं वो कैरी फॉरवर्ड होगी। अब 2019 में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो फिर यहाँ पर 2020 जो है वो अच्छा जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2020 मतलब जीवन का पूरा नया हो रहा है। अब जो भी यहाँ पर हम देखते हैं तो जो 2019 में हमारा चल रहा था वही सारी चीज़ों का एक्सटेंशन हमें 2020 में देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सारी नई चीज़ें हो जाती है, सब कुछ ये हो जाता है, है ना। हाँ, थंबनेल चेंज हो जाते हैं, जो क्वालिटी है वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ क्या है, जो 2019 का पुराना चल रहा था वही तो चल रहा है ना, है सब्जेक्ट तो वही है, कॉन्टेक्स्ट तो वही है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान देखा जाए तो उसके लिए पनिशमेंट का क्यों बोला जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 2020 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सब चंगा सी यही बोला जाएगा, मगर 2019 में जो हालात थे तो इससे उभर नहीं पाएगा अभी पाकिस्तान, ऐसा समझा जा रहा है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है, पाकिस्तान जो है वो डीप इकोनॉमिक ट्रबल में है, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉमन मैन है वो भी पॉलिसीज जो हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम झेल रहा है। मतलब एक तो इकोनॉमिक ट्रबल है, इकोनॉमिक पेन है ही, उसी के साथ साथ जो पॉलिसी है उसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान जो है वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, उसने कभी भी टैक्स जो है वो इफ़िशियंटली कलेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पर प्राइस हाइक के थ्रू टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से रिच को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और उसी के साथ साथ जो FATF है उसके लिस्ट में, तो उसकी वजह से क्या है, उससे भी बाहर उभरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो मेजर्स ले रहा है, लेकिन ये भी मेजर जो है वो कितने लॉन्ग टर्म होते हैं ये भी समझना पड़ेगा, है ना। मतलब टेररिस्ट फाइनेंसिंग से लड़ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे लड़ना, तो कितना ये कर पाता है, कितना इफ़िशियंटली कर पाता है, कितना लॉन्ग सस्टेनिंग कर सकता है, वो भी समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फेब्रुवरी को कश्मीर डे, इमरान खान जो है वो POK में थे, जो बोल रहे थे कि यहाँ पर इंडिया जो है वो कश्मीर इस साल लूज कर देंगे, मतलब भारत के हाथ से कश्मीर जो है वो चला जाएगा। मतलब क्या बोले, चलो ये जो है मतलब प्रॉबेबली उन्होंने ये अज्यूम किया होगा, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कंटिन्यूसली ह्यूमन राइट का जो वायलेशन हो रहा है कश्मीर में तो उसे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, है ना। तो इसलिए ये फोर्स करेगा इंडिया को, कश्मीरी जो है उन्हें लिब्रेशन के तहत यहाँ पर मतलब ये दिया जाए कि ठीक है आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ये तो सच में, ये तो ऐसा लग रहा है, मतलब क्रिकेट मैच में कभी ऐसा हुआ नहीं कि ठीक है पाकिस्तान जो है वो जीत गया इंडिया से, सिर्फ टॉस के बलबूते पर ही हम पाकिस्तान को जिता देते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये चलो, तो इस तरीके से हमें ये जो चीज़ है वो देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिडल ईस्ट जो है वहाँ से भी पाकिस्तान को इतनी कुछ सहायता मिल नहीं रही है, है ना। मतलब पाकिस्तान जो है मिडल ईस्ट अगर आप देखोगे, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ से भी इतनी जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर पाकिस्तान को मिल नहीं रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान झेल रहा है, मतलब इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, उसी के साथ साथ जनता है वो खुश नहीं है, मतलब यहाँ पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है, उसी के साथ साथ यहाँ पर अपोजिशन जो है कंटिन्यूसली ताना डाल के खड़ा हुआ है, उसी के साथ साथ मिडल ईस्ट जो है वहाँ से बेनिफिट्स मिल नहीं रहे हैं। मतलब सभी तरफ से पाकिस्तान जो है बुरी तरीके से घिरा हुआ है, ख़ास तो फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, जहाँ चाइना जो है वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना जो है वहाँ पर भी वो भी अपने डिसीज़ के तहत वहाँ पर जूझ रहा है तो वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो सभी तरफ से पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है उसके लिए 2020 अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखिए कभी भी आपको GS Paper 2 जो है इंटरनेशनल परस्पेक्टिव से ये जो चीज़ें होती है जो भी चल रही है किसी भी देश में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए बेसिक क्या चल रहा है पाकिस्तान में और इंडिया के परस्पेक्टिव से ये किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने टेलीकॉस को जो रिलीफ दिया था उससे सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ गया है, उन्होंने कहा है ड्यूज जो है फटाफट पे करो। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है बेसिकली क्या है, तो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्हें यहाँ पर जो एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू है उसके तहत जो भी चीज़ें हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसके तहत सारी चीज़ें जो है वो पे करना था, मगर सरकार ने कुछ रिलीफ दिए थे कि ठीक है एकदम से पे मत करो क्योंकि क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो पूरे लॉस में जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने रिलीफ दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी ड्यू पे नहीं कर रहा है, ड्यू जो है फटाफट पे करना चाहिए।
और यहाँ पर 1.47 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पर जो है वो खाली पड़े हुए हैं, और अगर ये टेलीकॉम ऑपरेटर दे देते हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ये निवेश नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिसके तहत इनको यहाँ पर अच्छा रिलीफ जो है वो मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है 2018-19 में यूएसए के साथ हमारे, ये यहाँ पर इस आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल मैंने इसलिए लाया है कि आपको टॉप इम्पोर्ट जो है फ्रॉम यूएस और टॉप एक्सपोर्ट जो है टू यूएस ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे के तहत हम तो ये देखेंगे ही कि ओवरऑल इंडिया जो है टॉप एक्सपोर्ट क्या करता है, टॉप इम्पोर्ट क्या करता है। इम्पोर्ट तो सभी को पता है, जो ऑयल है ना, टॉप इम्पोर्ट करता है इंडिया, लेकिन यहाँ पर हम यूएसए के साथ किस तरीके से हैं, तो इसके लिए न्यूज़ आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिया है। तो टॉप इम्पोर्ट जो है वो है पर्ल्स, जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो इमिटेशन ज्वेलरी है, मिनरल फ्यूल ऑयल, ये सब है। वैल्यू इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर फिर डायमंड्स है, पेट्रोलियम ऑयल है, गोल्ड है, ये टॉप इम्पोर्ट्स है। वही अगर आप टॉप एक्सपोर्ट देखोगे तो पर्ल्स है ना, ये ज्वेलरी देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ डायमंड, फार्माक्यूटिकल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, व्हीकल्स एंड अदर देन रेलवेज, ये हमें टॉप एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है। तो आपको क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर उस कंट्री तक पहुँचने के लिए हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना पड़ेगा, मगर आज हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाने से पहले जो बीच की चीज़ें हैं जो हमने देखी है उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अरेबियन सी, और यहाँ पर मिडल ईस्ट जो काफ़ी इसमें चलता रहता है, ये गल्फ ऑफ ओमन, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ जिसे हम अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी चलता रहता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ओमान नज़र आएगा, यहाँ पर येमेन नज़र आएगा, ऊपर आप देखोगे यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, यहाँ पर ईरान है, दोनों में काफ़ी झगड़ा चलता रहता है। ईरान के बाजू में यहाँ पर इराक है, सीरिया है, लेबनान है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास अगर हम आते हैं तो रेड सी हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गल्फ ऑफ स्वीज है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा ये भी हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो रेड सी है उसी के साथ साथ जो गल्फ ऑफ एडन है उसे जो कनेक्ट करता है वो है बाब एल मंडब स्ट्रेट। तो बाब एल मंडब स्ट्रेट जो है ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जिबूती, सोमालिया ये भी हमने देखे हुए हैं। काफ़ी कुछ कंट्रीज़ जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो यहाँ पर वो कंट्री आती है, और वो कंट्री है माली। तो माली जो है वो भी काफ़ी न्यूज़ में चलती रह रही है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, और उसी के साथ साथ इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि आप मॉरिनिया देख सकते हो, अल्जीरिया देख सकते हो, नाइजर देख सकते हो, है ना, और उसी के साथ साथ गुयाना भी देख सकते हो, सिनेगल भी देख सकते हो। तो माली जो है इसको बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।